मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़े बदमाश ने एक बार फिर से कहर बरसाया है। मुख्तार के गुर्गों ने दिन दहाड़े ठेकेदार को गोली मार दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल बदमाश पंकज सिंह ने वर्चस्व बनाने की नीयत से अजय दुबे को अपना निशाना बनाया है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि गोली युवक के दाहिने जांघ में मारी गई। ये अजय दुबे पुत्र अशोक दुबे निवासी भीटी मऊ के रहने वाले हैं। उम्र करीब इनकी 27 वर्ष है। अब से करीब 40-45 मिनट पहले ये बता रहे हैं कि भीटी पांडे कटरा के पास कुछ सामान खरीद रहे थे, वहीं पंकज सिंह चक्रवात और एक लड़का टिल्लू उसका नाम बता रहे हैं आए और इनको गाली गलौज देने लगे, और उसके बाद पंकज सिंह चक्रवात ने अपने पास जो पिस्टल लिए था निकाल के इनके दाहिने जांग में गोली मार दी। गोली आर पार हो गई है, बाकी ये इनके जो साथी थे वहाँ से लेके आए अस्पताल, पुलिस को सूचना दी है, इलाज चल रहा है, खतरे के बाहर है। आपको बता दें कि भीटी बाजार में अजय दुबे सामान खरीद रहा था। दुकान पर किसी बात को लेकर पंकज सिंह से उसकी कहासुनी हो गई, फिर क्या था, गुस्से में तमतमाए पंकज सिंह ने अजय को गोली मार दी। इसके बाद वारदात स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल अजय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए युवक को BHU रेफर कर दिया गया। पंकज सिंह चक्रवात का आपराधिक इतिहास है, अभी पकड़ के कोतवाली से ही पिस्टल बरामद हुई थी, जेल गए थे जी। और ये सुरेश सिंह के भतीजे हैं जो कहीं ना कहीं से मुख्तार अंसारी से जुड़े हैं। 14 वर्ष में उनकी कार्रवाई हो गई, सारी गाड़ियाँ और संपत्ति कुर्क हुई है जी। जी, तो ये जमानत पे चल रहा है। हाँ, ये उसी मुकदमे में जमानत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने को लेकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद सभी लोग शांत हुए। पुलिस के मुताबिक गोली मारने वाले बदमाश का संबंध मुख्तार अंसारी गिरोह से है। एक माह पहले अवैध असला के मामले में पंकज को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में भी थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।